SCST एक्ट को लेकर राजनीति बहुत तेज हो गई है और इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SCST एक्ट में बदलाव का फैसला 20 मार्च को दिया था, 12 दिन बाद इतनी हिंसा क्यों? बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने दलित वोटों के लिए आग को हवा दी है। पक्ष के लोग सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से देश में वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। NDA के सहयोगी LJP ने भी दलितों को भड़काने के लिए कांग्रेस की तरफ उंगली उठाई। पॉलिटिकल पार्टी इसमें क्यों पॉलिटिक्स कर रही है? मैं आज पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी से कि इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए क्या किया। वहीं BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सरकार पुनर्विचार याचिका में देर नहीं करती तो ये आग नहीं भड़कती। इन्होंने जो ये पुनर्याचिका दाखिल की है, ये इसको दाखिल करने में काफी समय लगाया है। मायावती ने हिंसा में BSP के हाथ को गलत बताया। वहीं मेरठ की हिंसा में पुलिस ने BSP के पूर्व विधायक योगेश वर्मा को हिरासत में लिया है। BSP नेता पर NSA के तहत कार्रवाई की जा सकती है।